हेलो गुड मॉर्निंग क्लास कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ मैपिंग के बारे में डिस्कस किया था वन वन मैपिंग मैनी वन मैपिंग आन टू मैपिंग इन टू मैपिंग और वन वन आन टू वन वन इन टू मैनी वन आन टू मैनी वन इन टू आज उस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो चलिए आज आपके पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है सो दैट द फंक्शन एफ सज दैट यन टैंस टू यन क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास है so that the function so that the function f such that n tends to n given by given by fx is equal to 2x is 1 1 but not unto. आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको जो फंक्शंस गिवेन है उसमें आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शंस है n टेंस टू एन में वो आपके पास क्या है वन वन तो है लेकिन आन टू नहीं है चलिए हम लोग इसको देखते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास है, गिवेन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है रिलेशन हमारे पास है यन टेंस टू एन वी आर एज एन इज़ नेचुरल नंबर And prove that f is वन वन but not onto. ये आपको प्रूफ करना तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वन वन और आन टू के लिए हम दो तरीके से क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं एक तो हमारे पास क्या था पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वन वन और आन टू आप कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं ठीक है ना कंडीशंस के अकॉर्डिंग मतलब ये हमारे पास कंडीशन थी कि दो एलिमेंट्स आप इसके लेंगे ठीक है ना टू एलिमेंट्स आप इस सेट ए के लेंगे और फिर उसमें आप क्या करेंगे इनकी मैपिंग लेकर के चलेंगे ठीक है इनकी इमेज लेकर चलेंगे और अगर आपके पास नंबर्स इक्वल हो जाते हैं तो एफ़ वन वन मैपिंग हो जाती है तो ये कंडीशनस है कंडीशनस के अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं कुछ आपके पास नंबर्स के ऐसे सर्कल बना करके भी उसको प्रूफ करते हैं तो जहाँ पर जो आपके पास ईजी पड़ेगा उसको हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है इसको वन वन आन टू वन वन प्रूफ करना है लेकिन आन टू नहीं है ऐसा हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एन क्या है डोमेन इसलिए मैं आपको बताया गया था कि एफ हज़ार ए ट्स टू बी में आपके पास ए क्या होता है डोमेन और बी क्या होता है को डोमेन और जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं रेंज होते हैं तो इस तरीके से हमारे पास अगर मैपिंग है एफ हजार एन टेंस टू यन तो यन हमारे पास डोमेन होगा और ये यन हमारे पास को डोमेन होगा ठीक है तो इस डोमेन के एलिमेंट्स लेने हैं और डोमेन में एलिमेंट्स कैसे हैं वन टू थ्री फोर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन हम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ कर रहे हैं तो दो एलिमेंट्स हम कैसे कंसिडर करेंगे एस और एक्स टू वो लस कंसिडर टू एलिमेंट्स लेटेस्ट कंसिडर है टू एलिमेंट्स एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू एन और ये एन किसके हैं इसके इस एन के टू एलिमेंट्स हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं चलिए एंड इनकी इमेज को इक्वल करेंगे एफ़ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ एक्स टू ये इनकी इमेज को हमने इक्वल कर दिया अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है एफ़ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास गिवेन है टू एक्स गिवन है तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है तो एफ एक्स वन क्या होगा भाई एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे एक्स वन तो जब एक्स की जगह एक्स वन पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी टू एक्स वन ठीक है अभी यहाँ पर हम लोग आ, एक्स की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं एक्स टू पुट आ, एक्स टू पुट करने वाले हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स टू हो जाएगा अभी देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो सकता है तो टू से टू को कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये हम लोग लेके चल रहे हैं और यहां पे नंबर्स आपके पास क्या आ रहे हैं जो जो नंबर्स हमने लिए थे नेचुरल नेचुरल नंबर्स के ठीक है डोमेन के वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारे पास किसी कंडीशन होती है वन वन मैपिंग की कंडीशन होती है सो एफ इज सो एफ इज वन वन मैपिंग तो ये देखिए हमारे पास वन मैपिंग प्रूफ हो गया है अब देखिए यहाँ पर ये जो आंटू मैपिंग को हमें प्रूफ करना है कि ये आंटू है कि नहीं है ये हमें प्रूफ करना इसमें तो दिया गया है इसमें गिवन है कि हमारे पास ये क्या है आंटू मैपिंग आपके पास नहीं है ठीक है इट इज़ नॉट आंटू तो इसमें हमें क्या करना होगा इसमें भी दो तरीके आपके पास हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं और नंबर्स लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पर नंबर्स लेना ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि तो ये नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर आसानी से आपके पास ले सकते हो आप तो चलिए हम लोग नंबर से इसको प्रूफ करेंगे तो ये क्या होता है डोमेन और ये क्या होता है कोडोमेन तो अगर आप इस एन की बात करें तो ये एन हमारे पास क्या होता है कोडोमेन तो चलिए हम इस कोडोमेन के एलिमेंट्स को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कोडोमे हमारे पास येन है और यन में एलिमेंट्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन डॉट डॉट तो ये नेचुरल नंबर होता है ये कोडोमेन हमारे पास हो गया अभी हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा एफ एन अब देखिए रेंज क्या होगा एफ एन एफ एन क्या होगा जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे अब ये कैसे कनेक्टेड है हमारे पास ये गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स तो आप इस नेचुरल नंबर इस जो डोमेन भी हमारे पास नेचुरल नंबर है ठीक है डोमेन्स भी नेचुरल नंबर है तो डोमेन के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास रेंज हो जाएगी ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम इसको आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर एन डोमेन हमारे पास क्या था डोमेन भी हमारे पास एन था और यन में एलिमेंट्स थे आपके पास वन टू थ्री फोर डॉट डॉट ठीक है और ये एफ़ एक्स क्या था हमारे पास एफ़ एक्स इक्वल टू टू एक्स था तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा एफ़ वन की वैल्यू क्या मिलेगी जब वन पुट करेंगे तो एफ वन टू हो जाएगा इसके बाद जब टू पुट करेंगे तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर टू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फोर अभी हम यहाँ से नेचुरल नंबर से थ्री उठाएंगे यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स मिल रहे हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब जो रेंज हमारे पास मिल रहा है रेंज क्या मिल रहा है टू मिल रहा है फोर मिल रहा है सिक्स मिल रहा है इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोर को पुट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास एट वैल्यू आ रही है तो ये हमारे पास हो गया रेंज ठीक है तो आप देख सकते हो कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है सो इट इज़ क्लियर दैट एफ एन एफ एन डज नॉट इक्वल टू एन मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो एफ इज सो एफ इज नॉट ऑन टू ठीक है देन एफ इज वन वन एफ इज वन वन बट नॉट

given by fx is equal to 2x is 1 1 and r 2 अब इसमें देखिए रियल नंबर्स में ये आपके पास फंक्शन में वही रखा हुआ है और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर था पहले हम उसको अब रियल नंबर से कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो आपका इमेज जो है आठ से आठ में है और फंक्शन हमारे पास वही है अब इसमें आपके पास ये प्रूफ करना है कि ये वन वन है लेकिन आ, वन वन आन टू दोनों आपके पास वन वन भी है और आन टू भी है तो चलिए हमारे पास क्या गिवेन है गिवेन दैट रिलेशन हमारे पास है ये अफ सस दैट आर एंड टू आर एंड डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है फंक्शन हमारे पास क्या है फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इजल टू टू एक्स ठीक तो यहां पर भी इसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ को को कर रहे हैं आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट प्रूफ करना है एफ इज वन वन एंड आन टू आपको प्रूफ करना है एफ इज वन वन एंड आन टू तो चलिए इसको वन वन आन टू प्रूफ करते हैं तो यहां पर हमने कंसिडर कर लिया लेट अस कंसिडर ए टू एलिमेंट्स एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू आर और यहाँ पर हम इमेज लेके चल रहे हैं इसकी इमेज क्या हो जाएगी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ये हम कंसिडर कर रहे हैं अब देखिए अगर एफ एक्स की वैल्यू टू एक्स है तो एफ एक्स वन क्या होगा एफ एक्स वन आपके पास टू एक्स हो जाएगा और एफ एक्स टू क्या होगा एफ एक्स टू आपके पास टू एक्स टू हो जाएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू तो टू से टू कैंसिल आउट करेंगे सो एक्स वन इज टू एक्स टू तो, तो यहाँ पर आप इमेज लेके चल रहे थे और यहाँ पर एक्स वन इज टू एक्स टू एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं सो एफ इज वन वन मैपिंग सो एफ इज वन वन मैपिंग ठीक है अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है ऑन टू तो वहाँ पर हमने नंबर्स आसानी से कंसिडर कर लिए थे क्योंकि नेचुरल नंबर्स थे नंबर्स आसानी से मिल रहे थे यहाँ पर रियल नंबर है तो इसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे ठीक है तो चलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं डोमेन का जो एलिमेंट्स है वो हमने कंसिडर कर लिया वाई है है ना तो लेटेस्ट वाई बिलोंग्स टू आर और ये जो आर आपके पास क्या है आर हमारे पास कोडोमेन है हमने कंसिडर कर लिया आपके पास एक एलिमेंट्स वाई है और वाई किससे बिलोंग कर रहा है इस कोडोमेन का एलिमेंट्स है वाई ठीक है चलिए और क्या कंसिडर कर रहे हैं एंड एफ़ एक्स इज ईक्ल टू वाई ये हम लेकर के चल रहे हैं एफ़ एक्स इज ईक्ल टू वाई ले के चल रहे हैं अब यहाँ पर देखिए एफ़ एक्स की वैल्यू टू एक्स है तो यहाँ पर वैल्यू आप रखें एफ़ एक्स इज टू टू एक्स तो आप एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी वाई, वाई बाई टू और देखिए आपने इस एक्स को क्या कहा था एक्स डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं एक्स किसके एलिमेंट्स होते हैं डोमेन के और अगर एक्स डोमेन के एलिमेंट्स हैं और एक्स की वैल्यू अगर वाई बाई है तो यानी डोमेन का एलिमेंट क्या है वाई बाई भी डोमेन का एलिमेंट्स है इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो आर में बिलोंग कर रही है यानी डोमेन में किस में बिलोंग कर रही है इस आर में और ये आर क्या है डोमेन यानी एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं वाई बाई टू टाइप के हैं और वो किस में बिलोंग कर रहा है डोमेन में बिलोंग कर रहा है इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है अब देखो रेंज निकालने के लिए किसका एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन का रेंज को निकालने के लिए किसका एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन का एलिमेंट्स लेते हैं और डोमेन में एलिमेंट्स कैसे हैं वाई बाई टू और रेंज कैसे निकलता था एफ एन टाइप में ठीक है ना तो चलिए हम लोग निकालते हैं एफ एक्स निकालते थे ना तो यहाँ पर एलिमेंट्स ले जैसे आप अभी हमने पीछे क्या निकाला था भाई डोमेन का एलिमेंट्स लिया डोमेन का एलिमेंट वन था तो हम लोगों ने एफ़ वन निकाला एफ टू निकाला एफ निकाला और जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी वो हमारे पास वही वैल्यू तो रेंज हो रही थी तो यहाँ पर देखिए डोमेन का एलिमेंट्स कैसा है वाई बाई टू डोमेन का एलिमेंट्स कैसा है वाई बाई टू तो हम लोग क्या निकालेंगे रेंज रेंज यानी एफ़ वाई बाई टू निकालेंगे ठीक है एफ वाई बाई टू निकालिए तो यहाँ पर आप देखिए अगर एफ एक्स की वैल्यू टू एक्स है तो एफ़ वाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी एक्स की जगह वाई बाई टू रख दीजिए तो ये हो जाएगा टू वाई बाई टू ये देखिए टू टू कैंसल आउट हो गया और वैल्यू आ रही है वाई और इस वाई को हमने क्या लैट किया था वाई को हमने ये लेट किया था कि ये आपका आर बिलोंग कर रहा है जहाँ पर आर क्या है कोडोमेन है ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एफ ऑफ वाई बाई टू है ये हमारा है रेंज और ये y क्या है कोडोमेन तो देखिए रेंज किसके इक्वल आ गया कोडोमेन के इक्वल को आ गया इससे क्या क्लियर है कि ये आर टू मैपिंग हो गई ठीक है तो यहाँ पर कंडीशंस लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर फार आल वाई बिलोंग्स टू आर यानी ये वाई कहाँ पर है डोमेन का है ये देखिए हमने इस एलिमेंट्स को लिखा फार आल वाई बिलोंग्स टू आर यानी वाई के जो भी एलिमेंट्स हैं वो अगर उसको डोमेन बिलोंग कर रहे हैं तो रेंज में कैसे एलिमेंट्स हैं वाई बाई टू जो कि रेंज में किसी में डोमेन के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ये देखिए डोमेन का एलिमेंट्स है वाई बाई टू बिलोंग्स टू आर देन दे आर एग्जिस्ट ठीक है देन दे आर एग्जिस्ट जो रेंज है यानी एफ ऑफ वाई बाई टू किसके इक्वल है वाई के इक्वल है ठीक है देन दे आर एग्जिस्ट एफ ऑफ वाई बाई टू ठीक है ऐसा कहिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट वाई बाई टू बिलोंग्स टू आर ठीक है सच दैट ऐसा कह सकते हैं ठीक है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट देखिए वाई का जो एलिमेंट्स था वो कोडोमेन में था तो वाई का एलिमेंट जो कोडोमेन में था इस तरह से हम लेके चल रहे हैं कि वाई बाई टू वाई बाई टू किसका था डोमेन का तो वाई बाई टू का डोमेन बिलोंग कर रहा है इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि रेंज जो है किसके इक्वल आ रहा है कोडोमेन के एफ ऑफ वाई बाई टू इज इक्वल टू वाई दैट इज दैट इज क्या हो गया एफ आर इज इक्वल टू आर ठीक है जैसे हम लोग कहते हैं ना एफ एफ ए रेंस टू बी तो एफ बी इज इक्ल टू ए कहते ना एफ एफ एज इक्वल टू बी तो ये क्या हो जाएगा एफ आर इज इक्ल टू आर मतलब रेंज किसके कोल आ गया कोडोमेन के कॉल को आ गया सो एफ एस सो एफ इज ऑन टू मैपिंग सो एफ इज ऑन टू मैपिंग ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा से शुरुआत से इसको देख लीजिए ठीक है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसी टाइप में हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आप दोबारा से वीडियो को फिर से देख लेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन टू थ्री बी इज इक्वल टू टू फोर सिक्स B is equal to two, four, six, 4, 6. And uh, f such that a tends to be f such that a tends to be fx is equal to 2x. For all x belongs to a, okay. For all x belongs to a, then prove that f is 1 1 mapping, then prove that. एफ़ इज़ वन वन मैपिंग इसमें आपको यही प्रूफ करना है कि हमारे पास मैपिंग क्या है केवल वन वन मैपिंग है ठीक है अब इसमें देखिए नंबर्स गिवन है तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से प्रूफ कर लेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रूफ करेंगे नंबर्स लेकर के प्रूफ कर लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले ये हम देख लेते हैं आपके पास गिवन है मैपिंग है एफ इज़ दैर ए टेंस टू बी और एफ़ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा और ए हमारे पास है वन टू थ्री एंड बी इज ईक्ल टू टू फोर सिक्स ठीक है बी इज़ ईक्ल टू टू फोर सिक्स और यहाँ पर जब हम ये निकालेंगे यहाँ पर देखिए अगर हम एफ़ uh, वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हम हहाँ पर मैपिंग uh, निकाल रहे हैं ठीक है रिलेशन निकाल रहे हैं रिलेशन किस टाइप से बन रहे हैं तो देखिए इसी के एलिमेंट्स लेते हो आप किसके एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन के डोमेन के एलिमेंट्स लीजिए और हमारे पास क्या निकलेगा रेंज तो चलिए अगर हम एफ वन इस ए के एलिमेंट्स लीजिए वन लेंगे यहाँ पर रखिए तो वफन इक्ल टू क्या 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 हो जाएगा टू इन टू वन इज़ ईक्वल टू टू अब यहाँ पर जब आप एफ़ टू लोगे ठीक है टू लोगे यहाँ पर रखो तो टू इंटू टू इज ईक्वल टू क्या हो जाएगा फोर इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब आप एफ़ थ्री लोगे तो एफ़ थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पर रखिए जरा तो टू इंटू थ्री इज ईक्ल टू क्या हो जाएगा सिक्स तो हमारे पास एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं टू फोर सिक्स ठीक है इस ए में एलिमेंट्स क्या है हमारे पास ए में एलिमेंट्स है वन टू थ्री और बी में एलिमेंट्स हमारे पास कैसे हैं टू फोर सिक्स बी में एलिमेंट्स कैसे हैं टू फोर सिक्स और यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग आ रही है ठीक है मैपिंग कैसी आ रही है वन uh, कनेक्ट हो रहा है टू से और टू कनेक्ट हो रहा है फोर से और थ्री कनेक्ट हो रहा है सिक्स से ठीक है तो सारे एलिमेंट्स से कनेक्ट हो जा रहे हैं ठीक है ये इसके अकॉर्डिंग हमने लिखे हुए हैं ये जो ए बी गिवन थे उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं तो वन किससे कनेक्ट है टू से और वन आपका टू से कनेक्ट है और टू कनेक्ट है आपके पास फोर से ठीक है वन टू से कनेक्ट है टू कनेक्ट है फोर से एंड थ्री किससे कनेक्ट है थ्री कनेक्ट है आपके पास सिक्स से तो ये हमारे पास मैपिंग है तो यहां पर क्या क्लियर हो रहा है कि जितने भी आपके पास यहां पर नंबर्स आ रहे हैं ठीक है ना ए में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब की आपके पास अलग अलग इमेज बन रही है तो अगर आपके पास सबकी अलग अलग इमेज बन रही है तो इसका क्या मतलब होगा गया एफ इज वन मैपिंग ठीक है तो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ क्लियर दैट यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है इट इज it is clear that every element of domain every elements of domain a every elements of domain a contains every elements of contains a every elements of domain a contains unique, unique image okay? जो भी एलिमेंट्स हो रहा है ए का वो सबका आपका क्या रख रहा है एक यूनिक इमेज रख रहा है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एफ इज वन वन मैपिंग सो एफ इज वन वन मैपिंग ठीक है सो एफ इज वन वन मैपिंग आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आ, इसी अब हम लोग एक्सरसाइज को आपके डिस्कस करेंगे तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज आपके पास है वन पॉइंट टू जिस भी क्वेश्चन से मैं डाउट हो रहा है उसको आप दोबारा से वीडियो को फिर से चला लीजिएगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक का आप देख सकते हैं ठीक है आपको पर हम दिखा देते हैं देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन दैट टू स्टार दे रखा है ठीक है ना आर स्टार टेंस टू आर स्टार यहाँ पे आर से आर में हमारे पास है मैपिंग तो डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इज़ वन वन एंड आन टू ठीक है तो यहाँ पर ये यह कह रहा है कि अगर हमारे पास आर स्टार से आर स्टार में कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स की वैल्यू वन बाई एक्स है तो ये आप एफ क्या होगा वन वन होगा और आन टू होगा वेयर आर स्टार द सेट ऑफ आर नॉन जीरो रियल नंबर्स ये से आर स्टार क्या है नॉन जीरो रियल नंबर्स है अब उसके बाद ये भी आपको दूसरे क्वेश्चन में फिर आपके पास अगेन प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि इफ द रिज़ल्ट इज ट्रू कह रहा है रिजल्ट अगर ट्रू होगा डोमेन आर इज आर स्टार इज रिप्लेसड बाई एन यानी ये जो डोमेन है आपके पास इसको अगर हम एन से रिप्लेस कर दें तो क्या आपके पास जो रिजल्ट है और इस डोमेन आर को वही रहने दें ठीक है ना ये को डोमेन को यही रहने दें लेकिन इसको यन से रिप्लेस कर दें तो क्या अब भी ये जो रिजल्ट है वन टू क्या ये आपका अब भी मतलब इसके आ, ऐसा रिप्लेस करने से क्या अब भी ये हमारा ट्रू होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है ठीक है तो दो चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या गिवेन हमारे पास गिवेन दैट गिव दैट यफ्स एज दैट आर टेंस टू आर आर स्टार है सच आर स्टार टेंस टू आर स्टार वेयर वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ आल नॉन जीरो रियल नंबर्स नॉन जीरो रियल नंबर्स ठीक है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स जो भी गिवन था वो हम यहाँ पर ले रहे हैं अभी क्या प्रूफ करना है प्रूफ दैट प्रूफ दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू मैपिंग क्या प्रूफ करना है कि यफ हमारे पास कौन सी मैपिंग होनी चाहिए वन वन एंड ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए ठीक है तो चलिए यहाँ पे कंडीशंस को कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रूफ करेंगे क्योंकि आर आपके पास है ठीक है और ये भी एक काफ़ी आपके पास काफ़ी बड़ा सेट होता है नॉन जीरो रियल नंबर्स है मतलब निगेटिव नहीं होंगे बाकी सारे लेटर्स हो सकते हैं वन टू तो थ्री फोर और वन बाई टू तो, वन बाई थ्री तो, तो, ना सारे एलिमेंट्स होंगे केवल निगेटिव को छोड़ करके तो ये बहुत ये भी काफ़ी बड़ा सेट होता है तो इसको भी हम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे तो लेटर्स कंसिडर ए टू एलिमेंट्स एक्स वन का एक्स टू बिलोंग्स टू आर एस्टार ठीक है एंड एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू देर एम्प्लाइज वन बाई एक्स वन इज ईक्वल टू वन बाई एक्स टू ठीक है दियर एम्प्लाईज़ इसको क्रॉस मल्टीप्लीशन करेंगे सो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ एक्स वन इज इक्ल टू एफ एक्स टू आप लेके चल रहे हो और एक्स वन इज इक्ल टू एक्स टू आ रहा है सो एफ इज सो एफ इज वन वन मैपिंग ठीक है मैपिंग आपके पास वन वन हो जाएगी अभी आंटू की बात करेंगे तो आंटो को भी हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में प्रूफ किया था तो कंडीशन में हमने क्या लिखा था हमने एक एलिमेंट्स किसका लिया था इस कोडोमेन का एक एलिमेंट्स लिया था तो चलिए हम लोग कंसिडर करेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू आर स्टार ये आर स्टार क्या है कोडोमेन फिर से रिकॉल करिए जो आपने उस चीज़ को किया था तो लेट वाई बिलोंग्स टू आर स्टार और आर स्टार किस में था कोडोमेन पे और आप क्या लेके चल रहे थे एंड एफ एक्स इज ईक्ल टू वाई चलिए एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एफ एक्स हमारे पास क्या है वन बाई एक्स इज ईक्ल टू वाई सो एक्स इज इक्वल टू वन अपान वाई अब देखिए ये जो एक्स हमारे पास है ये डोमेन का एलिमेंट्स होता है और डोमेन में एलिमेंट्स कैसे हैं वन अपान वाई इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है ये भी आर स्टार में लेकिन ये कैसा है किसका एलिमेंट्स है को डोमेन का एलिमेंट्स है ठीक है अब रेंज में डोमेन के एलिमेंट्स को लेते हो तो चलो रेंज निकाल लेते हैं तो रेंज कैसा होगा इसका ये एलिमेंट आप लोग यानी एफ ऑफ वन अवन वाई लोगे ठीक है एफ ऑफ वन अपान वाई लेंगे तो देखो एफ एक्स की वैल्यू वन वाई एक्स तो एफ वन वाई एक्स की जगह पे क्या रखना वन अपान वाई तो वन अपान एक्स की जगह पे रख दो वन अपॉन वाई ये वाई ऊपर चला गया तो ये देखो रेंज किसके इक्वल आ गया वाई के और ये वाई क्या था ये वाई हमारा था को डोमेन वाई क्या था हमारे पास को डोमेन था इसका मतलब रेंज किसके इक्वल आ गया को डोमेन के इक्वल आ गया ठीक है सो इट इज क्लियर दैट सो इट इज क्लियर दैट ठीक है सो इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है भाई फॉर ऑल

ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया एफ आपका वन वन और आन टू मैपिंग हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि आपके पास क्वेश्चन से कह रहा था कि अगर आर स्टार को हम लोग नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो चलिए अब आर स्टार को हम लोग कैसे रिप्लेस करने वाले नेचुरल नंबर से तो हमारे पास ये क्या जो कंडीशन है वन 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 टू ये क्या वही रहेगी ऐसा हमें प्रूव करना है तो चलिए देखते हैं नाउ इफ द डोमेन आर स्टार इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई इज रिप्लेस्ड बाई एन With with codomain ठीक है ना with codomain being same as R star ठीक है तो अगर आप इससे रिप्लेस करते हो तो अब आपके पास मैपिंग क्या हो जाएगी येट R एन टेंस टू आर स्टार अब आपके पास मैपिंग ये हो जाएगी और फंक्शंस आपके पास वही है एफ एक्स इजिक्वल टू क्या था हमारे पास वन बाई एक्स So then we have to check that. Then, then we have to check that f is one one and r two are not. अब हमें ये प्रूफ करना है ये हमें चेक करना है कि हमारे पास जो मैपिंग है वो वन वन है वन वन आन टू है कि नहीं तो चलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया एक्स वन से तो देखिए वन वन तो हो जाएगा क्योंकि तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है तो आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट्स तो ऐसे चूँकि ये आपके पास क्या होता है एक काफ़ी बड़ा सेट होता है आपके पास और ये नेचुरल नंबर तो सारे एलिमेंट्स तो इसके इमेज तो किसी ना किसी के इमेज तो बनेंगे तो ये वन वन तो आपके पास हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेटस्ट कंसिडर टू एलिमेंट्स एक्स वन का हाँ एक्स टू

एन इज़ द सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर ठीक है इसमें नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर होंगे और आर स्टार इज़ द आर स्टार इज़ द सेट ऑफ नान जीरो रियल नंबर्स ठीक है इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे केवल निगेटिव को छोड़ करके नान ज़ीरो रियल नंबर्स तो हम देख रखते हैं अगर ये आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर्स है और ये नेचुरल नंबर्स है तो इसके जो एलिमेंट्स जाएंगे तो वो सारे एलिमेंट्स से तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा कोई ना कोई एलिमेंट्स तो उसका वैकेंट रह जाएगा और अगर कोई ना कोई एलिमेंट्स वैकेंट रह गया तो इसका मतलब क्या है कि आन टू नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट चूँकि आन टू के लिए क्या चाहिए आर स्टार का हर एक एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाना चाहिए मतलब वैकेंट नहीं रहना चाहिए ठीक है तो आर इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट्स it is clear that every elements of every elements of codomain r star is not a image of is not a image of domain n respectively मतलब इसका जो को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें से हर एक एलिमेंट्स तो इसका इसका इमेज बनेगा नहीं ठीक है ना तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन आर स्टार इज नॉट अ इमेज ऑफ इज़ नॉट अ इमेज ऑफ डोमेन एंड रिस्पेक्टिवली ठीक है फॉर द एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ पे थ्री बाई टू अगर हम देखते हैं कि थ्री बाई टू आपके पास किसका होता है इस आर स्टार टू कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है मतलब ये अगर नॉन जीरो रियल नंबर्स है तो थ्री बाई टू भी आर स्टार में बिलोंग करेगा तो देखिए अगर थ्री बाई टूर स्टार में बिलोंग करेगा और आपने जो एलिमेंट्स देख रखे थे कनेक्टेड एलिमेंट्स तो देखिए अगर आपके पास कैसा था वो वन बाई एक्स से कनेक्टेड था तो अगर आप इस वैल्यू को निकालें तो देखिए अगर ये इसमें जो एलिमेंट्स अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या आ रही है टू बाई थ्री तो ये जो एलिमेंट्स था ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहा था वो क्या था ये देखिए हमारे पास ये जो वैल एलमेंट्स है ये अब आप, आपके पास नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर्स के में एलिमेंट्स में ये एमेंट्स नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए था और ये हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर है ही नहीं ठीक है जो कि आपका इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो आपके पास इमेज मिल रहा है ठीक है इस को डोमेन में जितने भी आपके पास इमेज हो रहा है वो सब एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर नहीं रहे हैं ठीक है यहाँ पर क्या मिल रहा है जैसे आप इस पहलू को यहाँ पर रखोगे देखो आर स्टार क्या है आर स्टार हमारे पास ये था किसका था को डोमेन का एलिमेंट्स था ठीक है तो अगर हम ये देखें कि आर आस्ता में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जैसे सपोज करें वन बी होगा टू बी होगा थ्री बी होगा थ्री बाई टू भी होगा फोर बाई टू भी होगा ठीक है ना डिवाइड वाले एलिमेंट्स भी होंगे केवल निगेटिव नहीं हो सकते तो अगर हम सपोज़ करो देखो आपके पास न, आ, नंबर्स तो ठीक है अगर आप, आ, क्लियर हो जाएंगे क्योंकि तो नेचुरल नंबर्स में तो केवल वन टू तो थ्री फोर होते हैं डिवाइड वाले आपका फ्रैक्शन में कोई नंबर्स तो होगा नहीं तो हमने जैसे सपोज करो फ्रैक्शन में कोई नंबर्स अगर आपने लिखा है कि को डोमेन में एलिमेंट्स है और अगर आप उसका कोई इमेज निकाल रहे हो ठीक है उसकी इमेज बना रहे हो तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहा है जो नंबर्स आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा इसका यह मतलब हो गया कि हमारे पास एफ क्या हो गया एफ onto टू मैपिंग नहीं है सो एफ इज नॉट दैट इज एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं डोमेन आर को अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं तो एफ हमारे पास वन वन तो है लेकिन आपके पास आन टू मैपिंग नहीं है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप इसको दोबारा से वीडियो को चला लीजिएगा और इसको फिर से देख लीजिएगा तो आगे नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज में ही फिर आगे बढ़ेंगे आज के लिखने रखते हैं ओके थैंक यू गुड बाय